राजस्थान फिशर मेकर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वेलकम। प्यारे साथियों, विजय पाटिल का प्यार भरा नमस्कार। क्रांतिकारियों, बहुत सारे मेरे भाई हमदर्द राधेश्याम जी के बारे में जो हमदर्द बता रहे हैं, दिखा रहे, जता रहे हैं, सैल्यूट करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और वो कितना समझ रहे हैं सिचुएशन को, ये वाकई में इंसानियत है, इंसान है ये। बाकी तो कोई सोचता नहीं है, बस पैसा 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 और बस राजनीति करने में लगे हैं, इसकी उसकी टांग खींचने में लगे हैं, इसका इसको बहकाओ, उसको उकसाओ, उसको भरमाओ। अरे भाई, कब तक करोगे ये खेल, कब तक करोगे? अरे जिस इंसान ने, जिस मसीहा ने लाखों की जिंदगानियों को संवारा, सजाया और बनाया, लाखों के घरों में रोशनी प्रदान की, ऐसे हमारे ग्रेट, आज कभी सोचा है उनके बच्चों के बारे में, उनके परिवार के बारे में क्या बीत रहे होगी वो उस माँ पर, क्या बीत रहे होगी उस बाप पिताजी पर, क्या बीत रही होगी बच्चों पर और वो हमारी बहन जी पर, उनकी मिसेस पर। तो सोचिए ना, जो उनकी जगह पर थोड़ा आधा घंटा खुद को बोले कि मैं राधेश्याम हूँ, तो पता चल जाएगा कि किस हालात में होगे, जेल में कौन सी रोटी या कौन सी सब्जी खा रहे होगे, कैसे बिस्तर पे सोते होगे, किस सिचुएशन में, ना पंखा, ना ना कोई एसी, ना क्या, जैसा इनके थाट थे, इतना थाट वाले शख्सियत को आज कौन सी कर्म के सजा भुगत रहे हो? कौन सा बुरा काम किया उन्होंने, क्या बुरा काम किया, क्या कौन सा बड़ा गुनाह किया जो आज वो भुगत रहे हैं? तो साथियों, केवल हमारे लिए और जो प्रयास है, प्रशासन का साथ दे रहे हैं, जो भी है उनको पता है कि सोना कितना भी तपाओ, कितना भी गलाओ, लेकिन वो उसकी कीमत कभी कम नहीं होगी। कितने भी टुकड़े करो, वो सोना तो 24 कैरेट है, तो वो उसको कोई सुनार और कोई पारखी जो है, कोई भी उसको ठुकरा नहीं सकता है, झुटला नहीं सकता है। तो साथियों, ये राजनीति छोड़ दीजिए और एकता में आ जाइए। एकता को तोड़ने वालों, आप भी सुन लो, देखिए मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, ये जो मीटिंग सेटिंग क्या कर रहे हो ना, ये सब जानता हूँ मैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के है, सच्चे, अगर सच्चे दिल से राधेश्याम जी को मानते होगे ना, उनके उनकी बद्दुआ, लाखों की बद्दुआ मत लो यार, मत लो, मत करो ये खेल। क्यों चंद पैसों के लिए ये खेल तमाशा क्यों कर रहे हो? अरे ये पैसा मैंने पहले भी कहा है साला, कि ये कोई साथ नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे बीबी बच्चे साले, वो इससे कभी सुखी नहीं रहेंगे, तुम्हारा परिवार साला कभी सुखी नहीं रहेगा। ये बीजी पाटिल बोल रहा है, दिल की आवाज है, झंडू सुधर जाइए, क्या कर रहे हो? और जिसको जाना है ना मीटिंग को, तो जाना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, कल ये नहीं करना कि ये ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, हम नहीं जा रहे थे लेकिन हमको उकसाया गया, बहकाया गया, भरमाया गया, हमारी कोई गलती नहीं है, तब नहीं आना मुंह लटका के। अभी बोल रहा हूँ, आपके मालिक हो, आप जाओ कुछ भी करो, पता हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक भाई के नाते, हमदर्द के नाते मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी समय है, थोड़ा सोच विचार करके जाना। कुछ गलत होता है FM को या हमारे राधेश्याम जी के बारे में, लीडर के बारे में कुछ गलत होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जिम्मेदार केवल आप होगे, केवल आप होगे, केवल आप ही होगे, कोई दूसरा नहीं होगा। जाइए, आपको आपके मन की मर्जी है, आपके खुद के मालिक है, लेकिन बीजी पाटिल की बात याद रखना, बाद में पछताना नहीं और बाद में बोलना नहीं। चेहरे गिन लो, चेहरे को पहचान लो, मुखौटा जो लगाए